ये जो क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन, ठीक है। तो इसमें आपको दो, इस टेबल में आपको दो कॉलम आपको गिवन है, कौन कौन से, एक तो क्लासेस का गिवन है और दूसरा फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास बाउंड्रीज हम लोग को निकालनी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों को निकालनी है। तो जब अब आप इस क्लासेस को आप देख के पहचान पा रहे होंगे, हमने पहले के वीडियो में भी ये चीज़ पढ़ाई है, इंक्लूसिव क्लासेस और एक्सक्लूसिव क्लासेस। तो ये कौन सी क्लासेस हैं, ये इंक्लूसिव क्लासेस हैं, जैसे 11 to 15, उसके बाद नेक्स्ट क्लास कहाँ से शुरू हुई, 16 to 20। तो जब नंबर नेक्स्ट हो जाता है तो 15 से 16 हो गया, तो इस ये इंक्लूसिव क्लास होता है। एक्सक्लूसिव क्लास क्या होता है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कॉन्टिन्यूस होता है जो, तो वो होती है हमारी एक्सक्लूसिव क्लासेस। और क्लास बाउंड्रीज हम किस में निकालते हैं, इंक्लूसिव क्लासेस में। तो इंक्लूसिव क्लासेस ये हमारी लिखी हुई है। क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर क्लास में 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास में 0.5 ऐड करते हैं। तो लोअर क्लास क्या है हमारी 11, 11 में 0.5 माइनस करोगे तो 10.5, और अपर क्लास 15 है, इसमें आपने 0.5 ऐड करा तो 15.5। इसी तरीके से देखिए ये सारी क्लासेस आप निकाल लोगे और फ्रीक्वेंसी का सम n इज इक्वल टू 130 हो जाएगा। सारी फ्रीक्वेंसी जब आप ऐड कर दोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको पहले बता चुके हैं कैसे निकलती है। पहले तो फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट वाला नंबर लिख देते हैं 7, लिख दिया 7 में 10 ऐड करा 17, 17 में 13 ऐड करा 30, 30 में 26 ऐड करा 56, 56 में 35 ऐड करा 91। इस तरीके से आपकी सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर होगा वही फ्रीक्वेंसी का सम होगा। तो आप देखो फ्रीक्वेंसी का सम 130 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर भी 130 है। अब देखिए अगर आपका जो डेटा है वो क्लासेस में दिया होता है तो मीडियन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तब हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस N बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी L2 माइनस L1। ये L2 और L1 क्या है, L1 अपर क्लास के लिए, L2 लोअर क्लास के लिए। CF का मतलब आप समझ रहे हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, F क्या है फ्रीक्वेंसी है, N क्या है फ्रीक्वेंसी का सम है, L1 लोअर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ N बाय 2। अब N क्या था आपका 130, 130 बाय 2 क्या हो जाएगा 65th आइटम। अब 65th आइटम का क्या मतलब है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे 65th कहाँ आ रहा है। अब देखिए 65th कहाँ आएगा, इस वाले में आएगा, 56 तो छोटा है और 91 बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये वाला हमें कॉलम देखना पड़ेगा। तो अब आप देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 91 वाले में आएगा, तो 91 के सामने यहाँ पे देखिए जो 35 है वो आपकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और इसके ठीक सामने जो क्लास इंटरवल है आपका, तो 30.5 से 35.5 ये आपकी क्या हो जाएगी, लोअर क्लास और अपर क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो जहां पे n बाई 2 की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कहाँ पे आ रही है, उसी के सामने वाली जो क्लास बाउंड्री होगी वहां से आपको L1 और L2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कौन सी लेनी होती है, तो जो n बाई 2 की वैल्यू आती है 65, तो 65 जिस वाले कॉलम में आ रहा है उससे ठीक ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वाली वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये वाली वैल्यू हमारी L1 हो गई और ये वाली वैल्यू हमारी L2 हो गई। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दोगे यहाँ पे, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा 13.79। यही आपका क्या है, मीडियन है। आशा करते हैं कि आप सभी को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।